नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सबका स्वागत फ्रेंड्स आज के वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, कल के लिए ट्रेड प्लान करते हैं। मॉर्निंग में कैसे ट्रेड करेंगे, सुबह बाजार ओपन कैसे हो सकता है और इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट ट्रेडिंग आइडिया क्या हो सकता है, इन सबके ऊपर वीडियो में डिटेल बात करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं और पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी से। देखिए, बैंक निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी दोनों इंडाइसेस एक दो दिन से साइडवेज में ट्रेड कर रहे हैं, राइट, और राउंड फिगर रेंज में भी हैं। जैसे बैंक निफ्टी 52,500 के रेंज में ट्रेड कर रहा है, और जैसे कल हम निफ्टी के ऊपर डिस्कस किए थे, वीडियो मैंने बात किया था कि मैं बहुत बड़े ट्रेंड की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, राइट। ये साइडवेज में क्लोजिंग दे सकता है, एक्सपायरी क्लोजिंग दे सकता है। हालांकि थोड़ा सा 30-40 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग आया मेरे लेवल से। मैं 23,600 का बटरफ्लाई प्लान किया था, मैंने आप लोगों को ही बताया था, और लगभग 2,40 के आसपास मैं आप लोगों को बताया कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे सकता है, इसलिए जो प्रॉफिट मिल रहा होगा उसे क्लोज कर लीजिएगा। अच्छा भी हुआ होगा क्योंकि इसके बाद तो प्रॉफिट प्लस हुआ नहीं होगा, ठीक है। अगर ये 600 में क्लोजिंग देता तो ज़्यादा अच्छा होता, थोड़ा सा 40-50 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग आने के कारण प्रॉफिट का साइज कम हो गया, ठीक है। हालांकि ये जो क्लोजिंग दिया है थोड़ा टॉप के साइड क्लोजिंग दिया है, तो मे बी इस रेंज का ये ब्रेकआउट दे सकता है, और ब्रेकआउट देगा तो कल शायद 23,800 की तरफ मूवमेंट दे सकता है। अगर 23,800 की तरफ मूवमेंट फाइनेंस निफ्टी में आ रहा है, इसका मतलब कि बैंक निफ्टी में मूवमेंट आ सकता है, ठीक है। तो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, उसके ऊपर ही बात करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में। अच्छा, बैंक निफ्टी में बात करने से पहले मैं आपको लेके जाऊंगा निफ्टी में। देखिए, कल जैसे मैंने आप लोगों को निफ्टी में बताया था कि इसका ना ब्रेकआउट हो रहा है, और अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे रहा है तो इसमें ना ट्रेड प्लान करके जाना चाहिए हायर साइड के लिए, ठीक है। मैंने ट्रेड कल ही प्लान किया था, यहाँ से एक लाइन और ड्रा कर दीजिए हायर साइड का, ठीक है। तो इसको चाहे तो आप इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं ऐसे, राइट, लोअर साइड में। तो ये जो इतना बड़ा डेप्थ है ना, इसी डेप्थ का टारगेट आपको अपर साइड में दे सकता है। आज बाजार क्लोज कर रहा था तभी मैं आपको बताया था कि आप इस ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है, या आप नया ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं। तो मेरे लिए टारगेट ना इसका 24,550 के आसपास है। अगर 24,550 का टारगेट डन कर रहा है बाजार, ठीक है, तो मुझे लगता है कल ही इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, फिर नेक्स्ट डे भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो अगर आप मॉर्निंग में ट्रेड प्लान किए होंगे तो मुझे लगता है इसमें पैसा मिल रहा होगा, और कल इंट्राडे में भी आपको इसमें चांस मिल सकता है ट्रेड प्लान करने के लिए, ठीक है। इंट्राडे में बहुत ही परफेक्ट ट्रेड हो सकता है, जैसे इस स्विंग हाई का लेवल टेस्ट करेगा, इसमें एक बाई का ट्रेड आना चाहिए हायर साइड के लिए, ठीक है। तो कल ना बहुत परफेक्ट लेवल होगा निफ्टी में ट्रेड प्लान करने के लिए। मॉर्निंग में ध्यान रखिएगा, ठीक है, 24,400 इसके नीचे 20 पॉइंट, ठीक है, मतलब 24,380 मुझे लगता है इस भाव के आसपास आपको बाई दे सकता है। मॉर्निंग में फटाफट हो सकता है, फर्स्ट कैंडल आएगा सेम कैंडल रिवर्स हो सकता है, तो इस भाव के आसपास बाई करना चाहिए। 24,350 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है, मतलब 30-40 पॉइंट के स्टॉप लॉस से आपका ट्रेड अपर साइड में होना चाहिए। 24,500 and 550 तक जा सकता है, ये ट्रेड बहुत बढ़िया हो सकता है। 24,500 का आप पुट शॉर्ट कर सकते हैं, और सबसे बेटर ट्रेड होगा 24,400 का कॉल ऑप्शन भी आप बाई कर सकते हैं। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, 15-20 रुपए ज्यादा के स्टॉप लॉस आपको मॉर्निंग में लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो मैं कहूंगा अगर आप कॉल बाई करना चाहते तो इस कॉल को जरूर प्रीफर करेगा 24,400 का, ठीक है। और अगर आप पुट सेलर हैं, मतलब ऑप्शन सेल करते हैं, ऑप्शन सेल करना प्रीफर करते हैं जैसे मैं करता हूँ, ठीक है, तो मैं 24,500 का पुट ही शॉर्ट करूंगा। ऑलरेडी मेरे पास 25,000 का पुट शॉर्ट है, अगर चांस मिलता है तो ठीक है, ठीक है। और अगर मान लो हड़बड़ी में चला गया बाजार तो फिर मैं जाने दूंगा, लेकिन अगर शॉर्ट करना है तो 24,500 का ही पुट प्रीफर करना चाहिए सेल करने के लिए। बाई करना है तो 24,400 का कॉल प्रीफर करना चाहिए। दोनों में स्टॉप लॉस 15-20 पॉइंट से ज्यादा का नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है, नजर रखिएगा निफ्टी में। बात करते हैं फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में। देखिए, बैंक निफ्टी बड़ा क्रूशियल लेवल में है, और हो सकता है कि कल इसी रेंज में क्लोजिंग कर जाए, लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी ये दे सकता है, ठीक है। मैं बहुत उम्मीद तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर ब्रेकआउट दिया तो अपर साइड में 600 के ऊपर, ठीक है, 52,600 के ऊपर इसमें बाइंग आ सकता है। हालांकि देखिए, बार बार इसमें मतलब एक एक दो दो सौ पॉइंट में आपको रेजिस्टेंस मिलता जाएगा, ठीक है, तो बहुत फ्लो में मूवमेंट नहीं आएगा। लेकिन अगर ये 52,600 के ऊपर मॉर्निंग में निकल जाता है तो मे बी अपर साइड में 700, फिर थोड़ा सा नीचे आके 800, फिर थोड़ा सा नीचे आके 53 का भी भाव दिखा सकता है। 53 क्यों? क्योंकि जैसे अभी मैं निफ्टी में डेप्थ बताया ना, इसी तरीके का डेप्थ यहाँ भी है,
तो ये जो डेप्थ है ये लगभग 450 पॉइंट का डेप्थ है। तो इस डेप्थ को मैं आगे लेके जाऊं, मान लो कि यहाँ से ब्रेकआउट आ रहा है, 600 के ऊपर ब्रेकआउट आ रहा है, तो ये 53,000 तक का मूवमेंट आपको दिखा सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ये ब्रेकआउट दिया तो धीरे धीरे करके 53,000 भी चले जाएगा। कल एक्सपायरी है, 53,000 में जाके एक्सपायरी क्लोजिंग दे देगा इस तरीके से, ठीक है। तो ट्रेड हमको क्या करना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले ना इसको 10-15 मिनट वॉच करो, 10-15 मिनट वॉच करो, 20 मिनट वॉच करो। अगर ये ट्रेड इसी रेंज में कर रहा है, ठीक है, तो या तो 600 का, जिस रेंज में भी ट्रेड कर रहा है, तो 600 का स्ट्रगल बना दो या फिर 500 का स्ट्रगल बना दो। अगर 500 में ट्रेड कर रहा है तो 500 का स्ट्रगल बना दो, 600 में ट्रेड कर रहा है तो 600 का स्ट्रगल बना दो, ठीक है। दोनों साइड आप 30-30% का स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड होल्ड कर सकते हैं इंट्राडे के लिए, क्योंकि हम लोग 9:30 में एवरी डे ट्रेड प्लान करते हैं। आज भी ट्रेड बहुत अच्छा मिला होगा, ठीक है, तो 9:30 का ट्रेड को मैं आगे रखूंगा, होल्ड करूंगा, ठीक है। अगर साइडवेज हो रहा है तो मे बी 52,600 या 52,500 में क्लोजिंग दे देगा। तो मेरा प्लान रहेगा कि पहले मैं स्ट्रगल बनाऊंगा, अगर मूवमेंट नहीं किया तो, मूवमेंट नहीं किया तो स्ट्रगल बनाऊंगा, और इसका एक अच्छा प्रॉफिट आने के बाद, मतलब एक डिसेंट प्रॉफिट अगर मिल जाएगा, तो फिर बाद में मैं उसको मतलब आयरन बटरफ्लाई में क्लोज मतलब कन्वर्ट कर दूंगा। तो सपोज करो कि ये 600 में ट्रेड कर रहा है, 52,600 में ट्रेड कर रहा है, मैंने मॉर्निंग में स्ट्रगल बना दिया, इसमें ठीक ठाक डीके मिल जाएगा। डीके मिल जाने के बाद मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे 200-200 पॉइंट या 300-300 पॉइंट ऊपर नीचे मैं कॉल पुट बाई कर लूंगा, तो मेरा पोजिशन भी हेज हो जाएगा और लॉस का साइज भी लगभग जीरो हो जाएगा। तो इस टाइप के हिसाब से मैं इसमें प्लान करूंगा। लेकिन सपोज करो कि ये अपर साइड ब्रेकआउट कर रहा है, तो आप लोअर साइड का भाव याद रखना, 52,500 के बिलो मॉर्निंग में ये इसके नीचे ट्रेड नहीं करना चाहिए। देखिए अगर 52,500 के बिलो ट्रेड कर रहा है तो क्या होगा, 52,500 के ऊपर का मतलब 52,500, 52,600, 52,700 ये सब कॉल ना शॉर्ट शुरू हो जाएगा, तो फिर रेजिस्टेंस बन जाएगा। लेकिन अगर ये 52,500 के लेवल को टेस्ट किया और यूं वापस चला गया, जैसे आज गया मॉर्निंग में आपने देखा होगा, ठीक है, अगर ये लो टेस्ट करके वापस चला गया तो क्या होगा, मान लो 600 में ट्रेड कर रहा है तो 52,500 में राइटिंग शुरू हो जाएगा पुट के साइड, 52,400 में भी पुट के साइड शॉर्ट शुरू हो जाएगा। तो ये जो रेंज रहेगा लोअर साइड का, ये सब लोअर साइड के स्ट्राइक सपोर्ट के जैसा वर्क करेगा, तो बाजार धीरे धीरे करके 800-900 की तरफ मूवमेंट करेगा। तो इसलिए कह रहा हूँ 10-15 मिनट वेट करना कि 10-15 मिनट में किधर ट्रेड कर रहा है। अगर 700 में ट्रेड कर रहा है, डेफिनेटली 800 और 53,000 की तरफ मार्केट मूवमेंट कर सकता है, तो इसमें एक स्प्रेड भी बना सकते हैं। अगर 700 में ट्रेड कर रहा है, 650 में ट्रेड कर रहा है, मतलब बाजार अपर साइड में जा रहा है, 500 सपोर्ट बन रहा है, तो धीरे धीरे करके बाजार अपर साइड में जा सकता है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप ट्रेड बना सकते हैं इसमें, 53,000 का पुट सेल कर सकते हैं, इस पुट को आप सेल कर सकते हैं, और एटीएम जहां पे रहेगा उसको आप बाई कर सकते हैं। तो जैसे स्प्रेड बनाते हैं तो इस तरीके से बुल पुट स्प्रेड आप इसमें प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दिमाग में रखिए साइडवेज का, अगर मूवमेंट आता है तो फिर इसमें ट्रेंडिंग देखेंगे, या जैसे मैंने लेवल बताया, लॉजिक ध्यान रखिएगा कि अगर ऊपर ट्रेड कर रहा है नीचे सपोर्ट बन जाएगा, अगर नीचे ट्रेड कर रहा है ऊपर रेजिस्टेंस बन जाएगा, तो ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, ठीक है। मतलब अगर नीचे ट्रेड कर रहा है तो ऊपर नहीं जा पाएगा, और अगर ऊपर ट्रेड कर रहा है तो शायद नीचे ना जा पाएगा। तो इस तरीके से लॉजिक है, हम लोग इसमें कल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बहुत बड़े मूवमेंट की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर ब्रेकआउट आ गया, क्योंकि मेरे पास 54,000 का पुट शॉर्ट है, लगभग 5-6 दिन, सॉरी 4-5 दिन तो हो गया होगा, 3-4 दिन हुआ जो भी, ठीक है, तो उसमें पैसा मिल नहीं रहा है, तो थोड़ा सा मैं नुकसान में हूँ। आज फिनेंस निफ्टी में थोड़ा सा गेन मिल गया है, निफ्टी में गेन मिला, इस वजह से थोड़ा सा नुकसान मेरा कम है, अदरवाइज सभी नुकसान में ही चल रहा है मेरा ट्रेड बैंक निफ्टी का। चलिए देखते हैं कल कैसा मूवमेंट आता है फ्रेंड्स। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर मेरा व्यू फ्रेंड्स, कल मॉर्निंग में मौका मिलेगा तो ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। चलिए मैं स्टॉक शेयर करता हूँ, और बहुत मजा आएगा आप लोगों को इस स्टॉक को देखने के बाद। नाम है मारुति सुजुकी। कितने दिनों से मैं बोल रहा था, कितने नेगेटिव कमेंट आते थे इस स्टॉक को, जब भी मैं रिकमेंड करता था सारे नेगेटिव कमेंट वाले ना आज वापस नहीं आएंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को रोज बोलता था इसमें एक ट्रेड प्लान कर लो, एक ट्रेड प्लान कर लो। मैं इधर ही ट्रेड लोगों को दे दिया था, और मैं ट्रेड दिया था 12,500 का कॉल बाई, 13,000 का कॉल सेल, ठीक है, 13,000 कॉल सेल, अगर किसी को करना चाहिए था तो 11,500 का पुट भी मैं सेल करवा दिया था। बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिला होगा, ठीक है, जितने लोग ट्रेड प्लान किए होंगे, मुझे नहीं मिला है, मुझे नहीं मिला है। मैं क्या किया था, एक कॉल बाई करके 2 कॉल सेल किया था, इस वजह से कॉल में थोड़ा नुकसान है, तो वापस मैं पुट शॉर्ट किया हूँ 13,000 का, तो थोड़ा हेज हुआ है। तो देखिए
अगर आप स्टार्टिंग से प्लान करते तो उसमें ठीक रहेगा। मैं ओवरनाइट में ट्रेड लेके गया था, मुझे थोड़ी पता था कि यार 5% 7% आज ही चले जाएगा, लेकिन होता है ऐसी है। अगर आप एक स्टॉक को लगातार वॉच कर रहे हैं ना तो उसमें समझ में आ जाता है। इसमें देखो ना, कभी भी कोई कैंडल प्रीवियस डे के नीचे क्लोजिंग दे नहीं रहा था, तो यही समझ में आ रहा था कि ये ना रिवर्सल सेटअप है। और भी मैं फ्री क्लासेस में लोगों को स्टार्टिंग में बताया था प्राइस एक्शन पैटर्न में कि ये जो पैटर्न बन रहा है ना, ये रिवर्सल फ्लेक पैटर्न है, ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा, नीचे नहीं जाएगा। लगता है धीरे धीरे नीचे जा रहा है, जब दिख रहा है कि धीरे धीरे नीचे जा रहा है, समझो को जिस दिन रिवर्स करेगा बहुत बड़ा रिवर्सल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आज मूवमेंट किया है, मुझे लगता है 13,000 के आसपास जाके रुकेगा थोड़ा। ठीक है, मैं अपना ट्रेड को क्लोज करूंगा 13,000 के ऊपर चला, मतलब क्लोजिंग कर जाएगा, तो अदरवाइज एक दो दिन इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। राइट, आई होप आप लोगों ने इसको देखा होगा, ट्रेड किया होगा, जितने लोग किए होंगे लाइव में, जितने लोग ट्रेड करते हैं उन लोगों ने ट्रेड प्लान किया रहा होगा। ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स। चलिए एक स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म के लिए शेयर करता हूँ, नाम है इसका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। मुझे लगता है ये स्टॉक ना बहुत अच्छा मूवमेंट कर सकता है। देखिए लाइफ टाइम हाई के ऊपर जाके ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेट किया, ये स्टॉक ना जाएगा 400-500 की तरफ, तो मेरे लिए ट्रेड बड़ा है। चाहे तो इस स्टॉक में आप पोजीशन बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाई कर सकते हैं। ठीक है, 150 की तरफ का स्टॉपलॉस रखना पड़ेगा, 150 के नीचे का स्टॉपलॉस रखना पड़ेगा, 170 के आसपास चल रहा है, इसको बाई करना चाहिए और टारगेट रखना चाहिए 400-500 की तरफ का। नजर रखिएगा फ्रेंड्स, ये स्टॉक मुझे लगता है अच्छा मोमेंट आने वाले दिनों में दे सकता है। एक स्टॉक और, ऑटो का स्टॉक चल ही रहा है तो मैंने सेलेक्ट किया है ऑटो के स्टॉक्स में। ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा कल इंट्राडे में आपको बहुत अच्छा ट्रेड दे सकता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा मुझे लगता है इसी जगह बाई करना चाहिए, अगर थोड़ा नीचे मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, तो 29.10 से लेके 29.20 के रेंज में, ये रेंज में हमारा बाई होना चाहिए। ठीक है, स्टॉप लॉस इस कैंडल का बिलो, इस कैंडल का बिलो मतलब 29.80 के बिलो हमारा स्टॉप लॉस, इसके बिलो नहीं जाएगा। सपोज करो यहीं पर ओपन हो तो यहीं से वापस जाएगा मार्केट, बहुत अच्छा मूवमेंट कर सकता है। टारगेट आपका होना चाहिए 29.50 की तरफ, इससे बड़ा भी मूवमेंट दे सकता है, नजर रखिएगा। ओके, तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस में आपको ट्रेड बन जाएगा 29.80 के बिलो का स्टॉप लॉस के साथ, इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं फ्रेंड्स मॉर्निंग में एमएडएम में, नजर रखिएगा। और अगर आप इसको स्विंग में लेना चाहें तो ले लीजिए, क्योंकि 3,000 के ऊपर का टारगेट देने वाला है, नजर रखिएगा। चलिए एक स्टॉक और फ्रेंड्स, नाम है रिलायंस इंडस्ट्री। निफ्टी कैसे ऊपर जाएगा, 550 तक कैसे जाएगा, मतलब 24,550 तक कैसे जाएगा, रिलायंस चलेगा तब, या टीसीएस चल जाए। ठीक है, बैंक निफ्टी कैसे मूवमेंट करेगा, अगर आईसीआईसीआई बैंक मूवमेंट कर जाता है तब मूवमेंट करेगा, एचडीएफसी बैंक का मूवमेंट आता है तब मूवमेंट करेगा, अदरवाइज मूवमेंट नहीं करेगा। ओके, तो मुझे लग रहा है रिलायंस इंडस्ट्री बहुत परफेक्ट होगा। आज इंट्राडे में मैंने ट्रेड लिया था इसमें, और कल अगेन आपको ट्रेड दे सकता है। ये ट्रेड बहुत बढ़िया होगा जब ये 3160 का लो टेस्ट करे, आज का लो टेस्ट करे, आज के लो के नीचे आना चाहिए। अगर 3160 का भाव दिखता है मॉर्निंग में, फर्स्ट लो टेस्ट करने के बाद मुझे लगता है वापस ना 3200 के ऊपर का भाव दिखा सकता है, 3200-3220 की तरफ जा सकता है। तो मुझे लगता है लोअर लेवल से बाई करिए, इसमें मैं ना कॉल बाई करूंगा कल। अगर ये 3160 में मिल रहा है तो मैं इसमें कॉल बाई करूँ, और कॉल बाई करूंगा 3200 का। ठीक है, 3200 कॉल बाई करूंगा, ज्यादा ज्यादा 3 या 4 रुपए के स्टॉपलॉस रखेगा रखना पड़ेगा, मैक्सिमम 5 रुपए का। ठीक है, इस कॉल में आपको बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है, क्योंकि यहां से जो मूवमेंट करेगा बहुत फास्ट मूवमेंट करेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही परफेक्ट सपोर्ट है। ठीक है, तो रीटेस्ट भी कर सकते हैं इसको, रीटेस्ट से वापस जाना चाहिए न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ। मैं जब यहां से ब्रेकआउट किया था तभी मैं बताया था कि ये स्टॉक ना जाने वाला है 3250-3260 की तरफ। ठीक है, देखो कितना फास्ट मूवमेंट आ गया, जिस दिन ने बड़े कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया था तभी हम लोग बात किए थे। राइट, चलिए एक स्टॉक और फ्रेंड्स, इस स्टॉक को बताने में ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, दिल से आप कमेंट करिएगा बताइएगा। जब स्टॉक यहां से पैटर्न बना रहा था ना, ए डब्ल्यू पैटर्न, तभी मैं आप लोगों को बता रहा था कि इस स्टॉक को खरीदो, नाम है कैम्स। एक तो सेक्टर बहुत बढ़िया, स्टॉक बहुत बढ़िया। राइट, तो देखो अभी लगभग 40-50% का टारगेट दे चुका है, मैंने आप लोगों को 2600 के रेंज में बाई दिया है। ठीक है, और अभी 4000 का भाव टेस्ट करने वाला है, मतलब ऑल टाइम हाई टेस्ट करने वाला है। मैं क्यों बता रहा हूँ इसको, क्योंकि ना कल इंट्राडे में ट्रेड बहुत बढ़िया दे सकता है। जैसे इस ऑल टाइम हाई को टेस्ट करेगा, जो भी देखो अगर ऑल टाइम हाई टेस्ट किया, फर्स्ट रेड कैंडल बनता है तो मैं शॉर्ट मार दूंगा। ठीक है, अगर यहाँ पर फर्स्ट रेड कैंडल बनता है, सपोज करो कि ये ऊपर गया, ऑल टाइम हाई टेस्ट किया, फर्स्ट रेड कैंडल बना, मैं शॉर्ट करूंगा। मे भी हो सकता है कि पहले मार्केट ऊपर जाएगा, एक ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर चले जाएगा ऐसे ऊपर। ठीक है, अगर ऊपर चला जाए रेड कैंडल बनेगा, शॉर्ट मत करो। अगर ये गिरना है, इस स्टॉक को गिरना है ऑल टाइम हाई टेस्ट करने के बाद, फर्स्ट कैंडल गया, ठीक है, होता क्या है नेक्स्ट कैंडल रेड, बस इसका हाई का स्टॉप लॉस डालूंगा, शॉर्ट का ट्रेड बनाऊंगा, और कम से कम इसमें ना 100 रुपया से लेके 50-60 रुपए तक का टारगेट हमको मिल सकता है। जो भी कैंडल रहेगा, इस कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस डालेंगे।
राइट। तो कल आपको इंट्राडे में ट्रेड दे सकता है अगर कल हाई टेस्ट किया तो, अदरवाइज नेक्स्ट डे के लिए भी आप इसको सेलेक्ट करके रख सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए तो ये सब कुछ स्टॉक है फ्रेंड्स आप सबके लिए, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज के वीडियो में ही तक, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद।